alaikum. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the weekend review. Assalamu alaikum, Amna. Ji, walaikum assalam, Hasan. Kaisi hain? I'm good. Kitni pyari lag rahi hai, mashallah, aaj. Fresh, charming. बस हसन जब जब बाल डाय करा हो तो शक्ल बेहतर हो जाती है. अब अरे इस उम्र में आपको अपने आप आपको पता है नहीं, आपको हकीकत बयान करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. चलें, अच्छी बात जी है. बिल्कुल. अभी लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे. अभी हसन आपकी उम्र नहीं हुई कि आपके बाल सफेद हों. अल्लाह का शुक्र है. या जैसे आपने ऑफ कैमरा का कि मैं अपना दिमाग नहीं शायद इस्तेमाल कर रहे. इतना इस्तेमाल नहीं. मेरे तो 20s में व्हाइट हो गए थे बाल. लगता आपने बहुत सोच विचार, बहुत सोच विचार की. जी बिल्कुल. चार ड्रामे हमारे पास. रुसवाई, थोड़ा सा हक, कहीं दीप जले, जिसकी दो एपिसोड्स आई हैं. जी, कितना बड़ा कारनामा है कि हम लोगों ने दो एपिसोड देखी. जी, और फिर फाइनली ये दिल मेरा. जी बिल्कुल. तो रुसवाई से शुरुआत करते हैं. जी, मेरे ख्याल में हर एक बंदा कुछ सठिया हुआ मुझे लग रहा है रुसवाई में, सिवाय समीरा के. हर एक की अपनी कोई एक थ्योरी है, अपनी कोई बातों पर चल रहे हैं, पर जो काम की बात है वो खाली समीरा करी और कोई नहीं कर रहा. बिल्कुल समीरा कर रही है. कुछ कुछ उसको एको कर रहा है हमजा, उसका भाई, मगर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो किसी बिल्कुल ही रिग्रेसिव उसमें चले गए हैं सिनेरियो में. जो ये मैं कहना चाहूँगी कि जो मोहम्मद अहमद साहब की एक्टिंग है, वो जो एक सीन है जिसमें वो वजू करके अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पैर हल्का सा ऊपर किया. मैं भी सोचा था वॉश बेसिन में पैर लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है. तो उन्होंने हल्का सा ऊपर किया और फिर अगले शॉट में उन्होंने वहीं से नीचे कर दिया. तो अच्छा था वो. अच्छा था. तो वो जो कहते हैं ना कि मैं एक जलावा पेड़ हूँ, और ही ऐसे लगता है जैसे कि उनको एब्सोल्युटली ही इज गिवन अप ऑन लाइफ. मुझे तो डर है ये सुसाइड ना कर लें. अच्छा, आपको बड़े सीरियस सिचुएशन लगी. मुझे सीरियस सिचुएशन लगी उनके साथ. ही इज वेरी, जो उनकी वालदा है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू कोप विद द सिचुएशन. एवरीबॉडी एल्स सीम्स टू बी ओके नाउ, राइट, इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग इमोशनली डिस्ट्रेस्ड, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब समीरा हरसेल्फ इज ऑब्वियसली, वो तो शुरू से ही फाइटर मोड में है. तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के, जैसे शुरू में उसको फ्लैशबैक्स आ रहे थे बड़ी फॉरन, यू नो, परेशान थी, और अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा शायद वो बाहर जाती है तो फिर उसको कुछ एक एपिसोड आता है. बट अदर देन दैट वो बड़े यू नो डिटरमिंड सी एक लड़की है. बाकी सब इसलिए नॉर्मल हो गए हसन. मेरा अपना ये ख्याल है कि इट्स वेरी इजी टू सिंपथाइज विद अ विक्टिम. जब तक एक इंसान जिसके साथ ज्यादती हुई है, कोई भी ज्यादती हो, जब तक वो विक्टिम मोड में है ना, उसके साथ लोग आके अफसोस भी करेंगे, उस पर तरस भी खाएंगे, उसका एक्स्ट्रा ख्याल भी रखेंगे. जब वो विक्टिम से सर्वाइवर मोड में जाता है, देन यू आर अ फाइटर. देन एवरीबडी इज़ लाइक, कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, बट नोबडी इज़ गोइंग टू देन सिट डाउन एंड सिंपथाइज विद यू एंड फील सॉरी फॉर यू. सब कहेंगे करो यार, तो फिर तुमने जो करना है. सो यू स्टॉप. इस केस में अनफॉर्चुनेटली नहीं कह रहे. इसमें नहीं कह रहे. एग्जैक्टली, इस केस में नहीं कह रहे. ऑल्दो हमजा कह रहा है, वो एक एक पॉइंट पे उसको कहता है सलमान, अपने वालिद साहब से भी बात करते हुए, वो वालिद साहब से भी नहीं, सलमान भी किसी पॉइंट पे कहता है कि यू नो वो विक्टिम, ये वो कहता है विक्टिम नहीं, मेरी बहन इज, माय सिस्टर इज अ सर्वाइवर. बट आमना सवाल ये पैदा होता है. यस, उस जगह पे भी और एक जगह पहले भी, रेप को उन्होंने क्यों बीप किया? एक मुझे बात ये जो अजीब लगी, हसन भेमरा के होंगे और आपने एक ड्रामा बना दिया रेप के ऊपर, रेप विक्टिम के ऊपर या रेप सर्वाइवर के ऊपर. इजंट इट ऑड कि आप ड्रामे में से रेप वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुझे ये बात थोड़ी सी अपसर्ड लगी. और मुझे लाइक, इजंट इट लाइक डिफीटिंग द पर्पस? इट इज कंप्लीटली डिफीटिंग द पर्पस. हाउ आर यू एबल टू मेक अ ड्रामा ऑन समथिंग इफ यू नॉट इवन अलाउड टू यूज दैट वर्ड? एंड आई विश के बार-बार दे वुडंट रिफर टू इट एज दाग. मैं अपना दाग ना धोऊं, मैं अपना दाग ना साफ करूं, मेरा दाग. नहीं, इसमें भी काफी दफा का है, काफी दफा हर सिचुएशन इज रिफर टू एज दाग धोना. तो दाग धोना जो है, मेरा एक सवाल है हसन आपसे. जी. कि अगर एक औरत को किडनैप करके टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ब्रूटल अग्रेशन होती है, मार पीट, नाखून निकाल दिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फिजिकल टॉर्चर बट नॉट सेक्सुअल टॉर्चर, उसमें और इसमें क्या, हाउ इज़ इट डिफरेंट? ये मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि हमारे, क्योंकि स्टिग्मा इज़ विद द एंटायर मॉडेस्टी इशू, इसलिए है. बट इज देयर अ डिफरेंस अदरवाइज? आई मीन ओनली अ वुमन वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन बेटर. मेरे तो आई एम एट, आई थिंक देयर इज नो लिबर्टी, देयर इज, बट इट इज ऑल द सोशल स्टिग्मा ऑफ द, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. आल्सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जिस इंसान के ऊपर ये गुजरती है वही बता सकता है, वही बता सकता है. क्योंकि अगर आप यू नो मर्दों के साथ भी होता है टॉर्चर और कुछ मर्दों के साथ रेप भी होता है, बिल्कुल. So at the end of the day, वो जो इंसान हो, मर्द या औरत, जिस तरह की हालात से वो गुजरता है, वही आंसर दे सकता है. जी बिल्कुल.
अल्लाह माफ करे, दोनों में से कोई कभी कोई मेरे ख्याल में ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं ये प्रेफर करूंगा या करूंगी ओवर. नहीं, आई थिंक अगर अगर औरत को ये दिया जाए ऑप्शन कि या तो टॉर्चर हो ब्रूटल या ब्रूटल टॉर्चर एंड रेप, तो शी वुड ऑलवेज चूज ब्रूटल टॉर्चर ओवर रेप. आई डोंट नो, आई वुडन्ट नो. नो, एज अ वुमन आई कुड से दैट एब्सोल्युटली. सो रेप आई थिंक इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रूटल टॉर्चर व्हिच शी इज बीन थ्रू, एंड द कैलस एटीट्यूड ऑफ एवरीबडी अराउंड हर इज वेरी डिस्टर्बिंग. आई थिंक यू नो फिजिकल टॉर्चर में जो एक ऑफ कोर्स इमोशनल टॉर्चर का एलिमेंट तो हर एक किस्म की हर एक में होता है. बिल्कुल. रेप में शायद वो एक्स्ट्रा आता है कि आपको जो इमोशनल टोल आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर. तो बट अगेन आई मीन ओनली पीपल हु हैव बीन थ्रू अ सिचुएशन लाइक दिस परहैप्स मे बी एबल टू टेल. बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा सा मुझे एपिसोड अब ड्रैग्ड भी लगा कि ठीक है एक चीज आप अब या आप डिसाइड कर लें कि अगर उसने परसू करना है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन तो फिर शुरू कर दें उसको. अब बार बार एक ही चीज पे बात करना, पेरेंट्स का भी बात करना, फिर सलमान का आना, थ्रेटन करना कि अच्छा करना है नहीं करना, नहीं करना तो मैं शादी नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा. अब अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा वो मान गई, वो मान गई, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल मानेगी, ऑब्वियसली इवेंचुअली तो नहीं मानेगी, इवन दो उन्होंने पकड़ लिया कल्प्रिट. तो मुझे ये बात भी नहीं समझ में आई कि अगर तो ऑलरेडी कोई कस्टडी में आ गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में. हाँ एग्जैक्टली. नहीं थोड़ा ड्रैग कर रहा है, लेकिन अब फिर अगेन सना जावेद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. एक तो खास तौर पर जो डिटर्मिनेशन के साथ वो बैठ के अपने आंसू साफ करती है, ऐसे लगता है जैसे शी इज़ नाउ मेड द रिजॉल्व कि बस. फिर वो एक दफ़ा कहती भी है कि इज्जत ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी लेके चला जाए जी, अपनी बहन को, अपनी बहन को वो कहती है. तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग से कि मैं रहूं या ना रहूं तुम ये बात याद रखना कि इज्जत ऐसी चीज नहीं. ये इंडिकेट तो नहीं करता कि सना का कैरेक्टर I don't know. नहीं, लेकिन देन अगेन डॉक्टर फिरोज का जो फैमिली बैक स्टोरी बताई है वो एक नई चीज है. आई लव द फैक्ट दैट दे ब्रॉट दुदाना भट्ट बैक. आई मीन अगेन दुदाना भट्ट ऑफ कोर्स, या हां, तो दैट्स वेरी क्यूट. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज तारा एंड द फैक्ट दैट उसकी मंगनी डॉक्टर फिरोज से हुई भी थी, वो भाग गया अमेरिका, उसने नहीं की. देन शी गॉट मैरिड टू हिज ब्रदर हु डाइड एंड नाउ शी हैज अ सन. And this man is a bit callous and also. और पिछले एपिसोड के पे जो आपको शायद लग रहा था कि इतना बुरा नहीं है, तो वो उतना ही बुरा है, वो साइकोटिक है. वो मुझे लगता है कि डॉक्टर हाउस जैसा कोई कैरेक्टर है, नहीं? हाँ ये तो वक्त बताएगा. हाँ अभी नहीं, तक मतलब उसने कोई ऐसी शर्लोकियन तरीके के साथ दवाई डायग्नोस तो नहीं की. बट लेट्स सी. बट ये उसने कहा कि मुझे रोने धोने वाली खवातीन नहीं पसंद, मुझे वो पसंद है. और वो फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में कहता भी है उसको कि भाई आप लें लीगल एक्शन. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एक चीज जो पॉइंट है थोड़ा सा, could be nothing or could be something major, जो लड़का कमरा बंद करके अंदर नेफ्यू है कि जी वो तीन तीन दिन गायब रहता है, क्या ये हो सकता है कि जो वो रेप वाला इंसिडेंट हुआ उससे वो कनेक्टेड हो लड़का किसी तरह से? पता नहीं, वो लड़के की उम्र भी हमें नहीं पता ना, हम बता नहीं पा रहे. नहीं, वो तो ग्रेड 8 में, 8वीं जमात में है. ग्रेड 8 में कुछ ऐसा वो कहता है ना कि ग्रेड 8 में तुम्हारा. हां आई थिंक नहीं, बट वो तो ये भी कहा कि वो तीन तीन दिन घर ही नहीं आता वो लड़का. So we don't know if he, don't know. If that child is a teenager no, or right. a... There was, but there was no young boy in the car. So I don't know. We don't know. But उन्होंने दिखाया नहीं. अच्छी आपने conspiracy theory मारी है. मैं ऐसी एक observation है. ठीक है, ठीक है. ठीक है. वो कह रही है ना दरवाजा बंद करके बैठा, तुम्हें फिकर नहीं है ये वो. तो maybe that's also an important character that we'll get to see. Again, bottom line, great performance by almost everybody. Great message, but right now all over the place. So we've got to appreciate Mikal. The character that he's playing is a total, you know, beep beep. Douchebag. जी. But उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया उसको. अब जैसे वो बैठा हुआ दूसरी पिंकी है, कौन है जिनके साथ लॉन में बैठा वो गप्पे लगा रहा है. जी. मतलब ये बहुत ही character wise बहुत ही घटिया थर्ड क्लास आदमी है. अच्छा. But on the other hand, अगर मिकाल ने convince किया हमें कि वो ऐसा character है, तो I think kudos to him. माँ पे गया. हाँ. माँ पे गया. माँ पे गया. वो जो उनकी बहन है और माँ के जो सीन्स है ना, मुझे थोड़ा सा हेडेक अब वो देने लगे. हाँ, वो है, वो बिल्कुल उसी सेम टोन वेवलेंथ में वो आ गई है. हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि रिपेटिटिव हो रहा है सब बेटी और माँ, तो वो थोड़ा सा मुझे अनॉय. जी बिल्कुल. एनीवे आप आते हैं आगे चलते हुए. आपका फेवरेट जी कौन सा? थोड़ा सा हक या कहीं दीप चले? थोड़ा सा हक जी. शुरू करते हैं पहला सीन जो वो उनके उनको चोट लगी बहन को. आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करें ना शहर को. चोट लगी, वाज गिरा, पांव कटा, हवा चली, हाथ पकड़ा, हाथ बड़ा, और उनके पैर के अंगूठे पे को इतना सा मेरे ख्याल में कट आया होगा.
नहीं ज्यादा भी हो सकता है, चलो इतना आया होगा, शक ना करें, चलो इतना इससे हाँ, बड़ा क्या कट आया होना है, कोई शीशा इतना तो टूटे भी नहीं, कोई दीवार तो नहीं, इतना बड़ा गुलदान टूटा है, इतना आया है, अच्छा चलें, लेकिन उन्होंने पट्टी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नहीं नहीं भाई नहीं, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए ना, जरा गपशप हो रही है, पट्टी लग रही है, ये बताएं कि उनकी पट्टी लगाना जरूरी क्यों था, वो जो एक मेड है, क्या उसका नाम है, जो भी है, उसने क्यों नहीं, ये सवाल भी नहीं, सबसे जो जरूरी सवाल है, बड़ी वाली आंटी ने ये देखा है सारा सीन होते हुए, उन्होंने हाथ भी पकड़ा उठाया जी, फिर वो ले भी गए उसको कमरे में, कमरे में तो उस पे कोई रिएक्शन कोई कुछ नहीं आया, आंटी ने कोई फॉलो नहीं किया, कोई देखा कोई नहीं, वो नहीं देख के अपने कमरे नहीं हुई कि यार ये किधर जा रहा है, जा उसकी पट्टी कर रही इतनी 15-20 मिनट, तो आंटी की जुबान तालू से नहीं लगती, उस वक्त नहीं बोला कि क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका उन्होंने बदला कैसे लिया, वो जो मुझे एक वर्ड पता चला, पहन क्या उन्होंने कहा कि मेरी पहन उसको दे दी, क्या था वो वर्ड, पहनावा, नहीं नहीं उतरन उतरन उतरन, ये एक वर्ड मुझे नहीं पता था, पहना और उतरन मैंने सुना हुआ था, लेकिन मैंने मेरे पहली बार ये वर्ड सुना, हैंड मी डाउन उतरन, उन्होंने उसकी उतरन, हाँ जी अपनी उतरन, अपनी नहीं अपनी बेटी की, हरीम ने अपनी उतरन दी थी मुलाजमा को जी, तो वो आंटी ने बदला इस तरह लिया कि उन्होंने कहा कि जो हरीम की उतरन इसी काबिल हो तुम, वो मैं मुलाजमा को नहीं दूंगी, हाँ। मैं शहर को दूंगी, हाँ। तो मैं उसको नीचा दिखाऊंगी, हाँ। I don't know, मुझे समझ नहीं आई, हाँ, कि अगर डिग्रेड किया ना उसको एक किस्म का, लेकिन जो आंटी से हमें तवक्को थी उससे बहुत कम उन्होंने किया, मेरा तो ख्याल था उसी वक्त कुछ और मचा देंगे, लेकिन कोई इतना बड़ा उनका रिएक्शन नहीं था, नहीं, लेकिन जो सबसे जो इस एपिसोड की हाईलाइट थी वो था क्लाइमैक्स, वो क्या था क्लाइमैक्स, आखिरी सीन, ओ हो ओ, शादी वाला, भाई मैं कहती हूँ पैसे पूरे हो गए एपिसोड देखने के, मुझे एक बात बताएं जी, आप बड़ी जल्दी जंप कर गए, वैसे और भी बड़ा कुछ हुआ बीच में, अच्छा आप कर लें डिस्कस, नहीं मैं तो वैसे कह रही हूँ कि एक तो ये कि आई फील रियली बैड फॉर हरीम, क्योंकि वो बड़ी रीजनेबल सी लड़की है अभी तक, उसकी जो कुत्तों वाली की है बड़ी आंटी ने, हाँ लेकिन वो रीजनेबल है, और उसका जो होने वाला है वो फेयर नहीं है, दूसरा आपने नोट किया कि जो एक इनकी बिजनेस मीटिंग चल रही होती है, जी जी पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पे आपको लगा कि जो इफ्तिखार चाचा हैं उसमें ताया जान जो हैं फिरोज चौपाल, वो थोड़े से कुछ झूम रहे थे, कुछ लगा आपको, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं मेरे पास लेकिन मैं नहीं करना चाहूंगा इधर उधर से, नहीं लेकिन उनका स्टाइल ही मेरे ख्याल में विस्पर एक्टिंग, मैंने कहा ना तमीज के दायरे में रह के हम ये कह सकते हैं, तमीज के दायरे में रह के कि मुझे कोई बड़े ही वो वैसे झूमते भी लग रहे थे, इंटॉक्सिकेटेड लगे आपको, जी लग रहा था वो कफ सिरप वगैरह पी के आए हैं उस दिन, हाँ, हो सकता है उनको एलर्जी हो, कोई मेरे ख्याल है गला में खराश, इसलिए वो दो तीन किस्म में बोले नहीं है, शायद गला खराब हो, गला में गले में खराश, उन्होंने कोई सैंकोस टाइप उन्होंने हैवी डोज कफ सिरप पिया हो, यू आर नॉट इन दिस रूम एट ऑल, आर यू, तो वो हल्की सी मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन, कुछ गनूदगी की हालत थी उनकी, हो सकता है बीपी लो हुआ हो उनका, बट अच्छे हैं फिर दोस्त जमाल साहब, बहुत अगेन हमारे लेजेंड हैं, हम एक्टर्स की कोई बुराइयां नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, बट अगेन आमना, फिर राफेद हरासर आते हैं, कॉफी मांगते हैं रेड जॉगर वाले भाई, रेड जॉगर वाले, फिर उनको कहा जाता है कि कॉफी वो बना देगी दूसरी मुलाजमा, फिर जब उनकी चाची ताई आती हैं, छोटी आंटी मुनज्जा ताई, तो वो कहती है हाय तुम कॉफी खुद बनाओगे, और भाई क्यों लड़के कॉफी नहीं बना सकते खुद, उनको शक, वो उन्होंने शक में पूछा क्या तुम खुद कॉफी बनाने आए हो, नहीं वो हाँ एग्जैक्टली फिगर आउट करना चाह रही थी कि ये हो क्या रहा है, उन्होंने फौरन उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने फिगर आउट कर लिया हाँ, कि ये जो है ना ढरकी पना चल रहा है यहाँ पे, तो वो जो हमारे वकार ताए हैं उन्होंने कोई रेपुटेशन नहीं की इस बार, लेकिन वो बैठे हुए वहाँ पे टेबल के ऊपर और उसको लड़की को देख के और ऐसे देख रहे हैं जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं लेकिन उसको शहर को देख के कहते हैं तुम परेशान लग रही हो, नहीं नहीं सिर्फ वो नहीं कहते, दो चार लोग कहते हैं, पहले राफे कहते आके आप हर वक्त उदास क्यों रहती हैं, अबे यार उसके वालिद साहब की डेथ हो गई है, उसका बाप मर गया, उसको टॉर्चर कर रहे हो इमोशनली फिजिकली, अब तो चंडे भी मार रहे हो, दुनिया में कोई उसके पास नहीं है, पैर उसका कट गया, इतना पट्टी लग गई उसके ऊपर, और उसको कह रहे हैं तुम परेशान, अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आई, पूरे घर को पता है उसका पैर जख्मी हुआ है, इतनी पट्टी उसने लगा दी, जामिन ने मेडिकल स्टोरों से पट्टियां खत्म हो गई है, चाचा ताया को नजर नहीं आई, वकार ताया को कि इसको पट्टी लगी हुई, हाँ कह रहे हैं मुझे बताया नहीं, वो लंगड़ा लंगड़ा के बिचारी चल रही है, वैसे आई मस्ट से कि जामिन ने कोई बड़ी बुरी पट्टी बांधी है, इतनी वो अनटाइडी सी बांधी हुई थी, इससे बेहतर तो ऐसे थप्पा उसने थोप, इससे बेहतर तो अगर शहर खुद अपनी बांधती तो बांध देती, बहरहाल चले वो तो मसला हल हो गया, अब मेरे ख्याल में आखिरी सीक्वेंस पे आ जाते हैं, आमना आपका एक भतीजा हो जी जो आपके घर आया हुआ जी, ठीक है फुप्पो से मिलने या जो भी उसके जॉब इंटरव्यूज है वो करने आया,
भाई 2 या 3 दिन हुए होंगे उसको आए हुए मेरे ख्याल में मैक्सिमम जी, 2 या 3 दिन के अंदर ही अंदर उसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो उसको मुंह भी नहीं लगाती होए होए। और उसके बावजूद वो ये कहता है कि जी मैंने तो शादी करनी है इसी के साथ करनी है, लाडला। दूसरी बात यह है कि हमारे सोसाइटी में साउथ एशिया में खासतौर पर पाकिस्तान में फैमिली पॉलिटिक्स इतनी टाइट होती है, उसको नहीं पता कि उसकी पुपी जो है वो नहीं उसको पता है, वो पिछले एपिसोड में कहता ना ओ द कल्प्रिट ऑफ द फैमिली ऑफ द फैमिली, भाई इसको प्यार कैसे हो गया उस लड़की के साथ। और 3 दिन में भाई तू दिल फेंक के बैठा है, दिल फेंक के उसके साथ बैठ गया। पहले तो मुझे लगा कि हरास कर रहा है उसको, तंग करेगा, कोई विलनस नेगेटिव उसका रोल है, बट ये कहता है जी मुझे प्यार हो गया। अच्छा दूसरी तरफ वो जो हरीम ताई है जी, वो सबसे बड़ी फुफो है अपनी तरफ से। हाँ। वो कहती है उसको अम्मा ने इतनी बेइज्जती उसकी की है कुत्तों वाली, मैंने जो कहा उसकी दम में वैसे वो वो कहती है हाँ जी। मीटिंग उसने शुरू कर दी, मीटिंग कॉल करके मैं अच्छा इसको मना लेते हैं, मतलब दिल की अच्छी है, दिल की तो अच्छी है, लेकिन यार अब्सर्ड बात कितनी है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी उतरन जो है वो पिना रही है जिस लड़की को, उसको अपने लाडले भतीजे के लिए इकलौते भाई का इकलौता बेटा तुम्हें लगता है कि ऐवें ही कर देगी, और तुम्हें पता है कि वो कितनी बेइज्जती के साथ और बदतमीजी के साथ शहर को ट्रीट कर रही है। ऊपर से जामिन का मुझे मसला समझ में नहीं आता, चलें फर्ज करें कि भाई जामिन को बहुत प्रॉब्लम थी रिश्ते के साथ, उसने कहा कि यार कि क्यों मेरी शादी कर दी ये वो, अब अगर राफे चलें ठीक है जैसा भी है हरासर है नहीं है पता नहीं शायद नहीं है, लेट्स अज्यूम के वो एक अच्छा लड़का है जिसका रिश्ता आ गया, तो जामिन की तो टेंशन खत्म नहीं हो जाती, तलाक दे उसके साथ उसके निकाह करे अल्लाह खैर सलाह, कंसुबेट तो वैसे नहीं की भी उन्होंने शादी, इद्दत भी नहीं लगनी हसन, तो अब उसको क्या वो अब्बा को जाके कहता मैं आपको कहता था ना ये प्रॉब्लम हो गई है। हसन उसका निकाह हुआ है उसको वो अच्छी लगनी शुरू हो गई है, क्या हो गया आपको? नहीं तो हरीम अब क्या करेगा फिर इसका, व्हाट्स द वे आउट, जो वकार ताया भी कहते हैं उनको भी परेशानी होगी कि ओ ये राफे और इसका, इन अ लॉजिकल वर्ल्ड तो अगर वो आपकी भाभी का है भतीजा, वेल ऑफ फैमिली है, अच्छा गुड लुकिंग लड़का जो भी है, पढ़ा लिखा, जॉब भी लग गई, सब कुछ लग गया, तो आप बोले यार अच्छा ठीक है देयर इज अ वे आउट। लेकिन राफे की पर्सनालिटी बड़ी ऊंची है ना, मतलब है कि जामिन को तो जिस तरीके से वो हरीम को मिलता है उस पर भी इतराज़ हो सकता है, ही जस्ट डजंट लाइक द गाय, सो डबल वैमी होगी ना उसके साथ, वो पत्ते तो खेल रहा है रात को बैठा हुआ, वो तो हरीम की वजह से खेल रहा है, एक तो ही डजंट लाइक द गाय, दूसरा ही इज नॉट, ही आल्सो लाइक सहर नाउ, ही स्टार्टेड डिसलाइकिंग द गाय बिकॉज़ द गाय हैज हैड फीलिंग्स फॉर, इज मेकिंग मूव्स ऑन सहर, दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ वे आउट, बट अगेन द अब्सर्ड सीन, वो पहले उन्होंने यूं चंड कराई, हाँ जी, तो अगली बार उन्होंने यूं करानी थी, हाँ ताकि उसने हाथ भी यूं से यूं पकड़ सकता यूं था, पकड़ उसने पकड़ लिया हाथ, तो अब अगले एपिसोड के प्रोमो से वो जो आंटी हैं जी जी आंटियां दोनों अब ऑल हेल हैज आपस में फड्डे अब शुरू हो जाएंगे, द शिट हैज हिट द फैन एज दे से, और इवन हरीम कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उनकी क्या रिलेशन है, तुमने ये जो कर दिया है वो तो शीट नेवर, अच्छा तो हरीम से बंदा पूछे ताऊ तुम जो रिश्ते कराने बैठी हो तुम्हें नहीं पता कि क्या इक्वेशन है, तुम पंगे ही ना लो, एक औरत बेचारी, औरत नहीं लड़की बेचारी जिसकी शादी होते होते टूट गई, जिसका बाप मर गया, उसको आप जबरदस्ती कराची ले आए हैदराबाद से, उसके ऊपर उसका पैर जख्मी हो गया जिसके ऊपर पट्टी लग गई, उसके ऊपर उसको आप चढ़ने करा रहे हो, उसके ऊपर उतरन दे रहे हैं उसको, उतरन दे रहे हो, उसके बाद आप उसे घर के काम करा रहे हो, उसे कॉफियां बना रहे हो, उसके ऊपर से एक लड़का उसको हरास कर रहा है, उसके ऊपर से वो लड़का फिर उसके लिए रिश्ता लेके आ जाता है जिसको ऑलरेडी निकाह हुआ है किसी और लड़के के साथ, और फिर लोग पूछते हैं तुम्हारा मुंह आज उतरा हुआ है क्यों, तो परेशान क्यों हो, परेशान लग रही हो आज, बड़ी तुम क्यों हर वक्त उदास रहती हो, पेट तो नहीं खराब तुम्हारा मुझे लग रहा है, दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा, तुम आज कुछ टेंस लग रही हो, मतलब पता नहीं शायद लोग एंजॉय करते हो इस ड्रामे, और अब हर चीज के ऊपर अब वो एक बुड्ढे से शख्स के साथ उसकी शादी, हाँ वो नहीं, अब उसने ताई ने जो है वो पता नहीं लुच तली है जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इवेंचुअली होगा ये कि ताई को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई कुछ चीज होने लगी तो वो उनकी जान बचा लेगी तभी वो उनकी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी जामिन बता देगा कि मैं इसके निकाह ये मेरे निकाह तो फिर क्या होगा, ताई ने तो मर जाना बेचारी ने, नहीं पहले ताई की बहन के साथ ये सीन हुआ, अब उनकी बेटी के साथ अगर ये सीन हुआ ये तो होगा ना, बिकॉज ओएसटी में हमने देखा है हरीम को रोते हुए और of course she's going to find out, acha main to OST dekhti hu ye to bhi aapko maine mujhe nahi fayda kya bhai baat ye hai ki pata to chalega na climax to wahi hoga asal climax to wahi hai jab he says ki ye mere nikah mein hamari shaadi ho chuki hai pichle baar bahut logon ne aapke liye ye complain kiya ki aapne kyunki aapne hum safar dekha maine nahi dekha ji ki aapne bola nahi ki ye hum safar ki copy hai china wali pichla episode specially even that scene where he goes for jogging इमरान अब्बास goes for jogging right after the conversation मुझे इतने अच्छी तरह हमसफर याद नहीं है, उन्होंने कहा कि
बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से बहरो सब्जवारी का सीन था माहिरा के साथ. दरअसल बात ये मामू है कि जो हमसफर था ना वो माहिरा और फवाद की वजह से सेक्रेड एक किस्म का है. मैं उसको सब्जवारी साहब भी तो थे वो तो मर जाते हैं ना तीसरी किस्म में हमसफर में, तो मैं उसको इसके साथ कंपेयर करना नहीं चाहती बिकॉज मेरा हमसफर खराब हो जाएगा फिर. अच्छा हाँ जी ये इसकी तो इसकी ये वजह है कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज वो जो सीन होते हैं ना फवाद और मायरा के बीच में हमसफर वो तो फिर हिस्ट्री मेकिंग सीन्स थे, तो मैं आई डोंट वॉन्ट टू कम्पेयर द टू. एनी वे मूविंग ऑन हसन आगे चलें. एक छोटा सा ट्रिवियल सी चीज़ है वो जामिन ने उसको भेजा ना पट्टी करके कमरे में पट्टी वट्टी की, तो वो मुलाजमा आके कहती है तुम्हें बुला रही हैं बड़ी मेम साहब. तो वो बेचारी जितनी देर में टहल टहल के आंटी के पास पहुंची ना जामिन तैयार होके बाहर जाके डेट मार के हरीम के साथ वापस भी पहुंच गया. ये भी बड़ा सीन है, देखें आप जरा ये भी बड़ा सीन था. जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात. एनीवे अब आते हैं जी ये जो दो हमने किस कहीं दीप ना जल जाए. एक किस देख के बंदे के सर में जो दर्द हो जाता है उसको हफ्ता चाहिए होता है वो दर्द ठीक करने के लिए पैनाडोल का पूरा पत्ता खाने के बाद. राइट. तो ये जो दो किस्तें देख ली हैं राइट, तो अब तो मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, बीपी चेक करने की नौबत आ गई कि ये कैसे ये मैनेज किया. बड़ा मुश्किल था. बहुत तगड़ो के बाद दोनों एक साथ हमने देख ली. तो अब आप बताएं आप देख रहे ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है. मेरे पास लग गई है आपको? जी मुझे चुप लगी है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस एंगल से उसकी तरफ. भाई बात यह है कि वो जो शमीला है, सिर्फ एक चीज मुझे याद रही है पूरे एपिसोड्स में से कि जब रिदा उठती है ना सुबह बिस्तर में, जब आके उसकी मेड कहती है बेटा तैयार हो जाओ, फ्रिंजेस उसकी, हाँ जी बैंग्स, फ्रिंज नहीं है वो. अच्छा, उसके जो है बैंग्स होते हैं ना, उसको आके मेड कहती है ना कि बेटा तैयार हो जाओ, वो आई है आंटी फलानी और उनके साथ निशान. उस वक्त तो मसले पे दुआ मांग रही होती है मसले पे. अच्छा उठती है तो उस वक्त क्या होता है? वो मैसेज आया होता है लड़के का कि मैं तो तुम्हें अब छोड़ के मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो तुम खुश हो जाओ. नहीं हाँ वो मोबाइल जब पकड़ के देखती है. अच्छा खैर एनीवे तो उस वक्त उसके नेल कलर कुछ और होता है. अच्छा नीचे आते आते उसका नेल कलर कुछ और होता है. तो ट्रिवियल मतलब बड़ी बेकार ही मैंने पॉइंट रेज किया है बिकॉज अदरवाइज इतना कोई थका हुआ ये एपिसोड थे कि मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इसको रिव्यू कर रहे हैं. वो जो है हमने तो इमरान अशरफ साहब के उसमें देखा था. आप देखा है कि जब इमरान अशरफ पे लेंस जाता है तो सॉफ्टन हो जाता है. वो खुद आते हैं कोई पौने दो सीन के लिए जी, पौने दो सीन भी नहीं पौने दो शॉर्ट्स के लिए, फिर गायब हो जाते हैं. हमारी मत मारी उस चक्कर में कि वो आए कब आए, आए नहीं रहे वो, पता नहीं कहाँ चले गए. एनीवे शमीला जो है लड़की जी, मुझे लगता है वो पता नहीं अफाम फहाम चाय फेवरेट में क्या घोल घोल के डाल के उसको पिलाई जा रही है. हर दो मिनट के बाद वो आ जाती कप लेके, अफाम आपके लिए चाय, कभी सूप कभी चाय, आपके लिए चाय. भाई वो वही कर रही है जो कि वो उसमें डाले जा रही है, इसीलिए उन्होंने सूप भी नहीं पिया इन्होंने, रिदा ने और उसकी माँ ने. उनको पता है ये कोई घोल घोल के बीच में, उनको पता है कि वो जहर घोल रही है उनकी जिंदगियों में खाने में, खाने में तो जो घोले सो घोले. हाँ नहीं, शी इज ऑब्वियसली डूइंग समथिंग राइट. दफ्तर ही जाना उसने छोड़ दिया है. वो हर रोज सुबह फोन करके कह देता है मेरे कैबिन से फाइल्स उठा के देख ले, मैं नहीं आ रहा दफ्तर. तो वो ऑब्वियसली शी इज डूइंग. क्या फिर आप शर्मा रहे हैं हसन? क्या हो गया? मैं तो नहीं कुछ शर्मा रहा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ. क्यों ऐसा क्यों है? दफ्तर क्यों नहीं जा रहे वो सुबह? वो खुश है अपनी जिंदगी से. कैसे? लेकिन वो प्यारी बीवी है इनकी, इसलिए प्यारी बीवी हो. कहते भी है ना तुम जैसी प्यारी बीवी हो तो दफ्तर जाके क्या करना है किसी ने. अच्छा, ये वो आपने दो एपिसोड नहीं देखे शायद? नहीं आपने? मैंने आखिरी देखा था. आपने पिछला वाला मिस कर दिया. अच्छा, तो उसमें अच्छा, वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसी प्यारी बीवी हो तो फिर ये तो आपको भी लगता है कि वो काफी प्यारी है. लेकिन अगर इतनी पापा कुटनी है तो फिर ही शुड बी एबल टू सी थ्रू. और जो अगले एपिसोड के इवेंचुअली अब हमें समझ आ रहा है वो थोड़ा सा उसने बदतमीजी ये भी की लड़की ने. फिर फहाम भाई जो है वो बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान है. ऐसे भाई, ऐसे बेटे, ऐसे मियां अल्लाह सबको दे जी. लेकिन बड़ा थोड़ा टू गुड टू हार्ट टू क्या होता है टू गुड टू बी ट्रू वाला उनका सीन मुझे लगता है. हाँ, कि उनको किसी चीज में ना गुस्सा चढ़ता है नहीं. वो उनकी बीवी जिस तरह की हरकतें कर रही है और आप इतने अपनी बहन नहीं, मगर उनकी बीवी बड़ी डबल गेम खेल रही है ना. यही तो मैं अगर आप मुझे बोलने देते तो मैं आपको यही कहने वाली थी कि जो चालू औरतें होती हैं वो ये करती हैं कि मियाँ के सामने बहुत प्यारी बन जाती हैं और ये कहती हैं कि सूप ला के देना और ख्याल रखना और मियाँ के सामने सास की भी करना और नंद की भी ये वो. और जब मियाँ नहीं होता
तब वो अपने छुरियां और खंजर और वो सब निकालती है। नहीं, आपने वो एपिसोड मिस पकड़ी की है ना, वो अब पकड़ी जाएगी ना, उन्हें पहले ही पकड़ी की है ना। पिछले एपिसोड में रिदा को, रिदा के बारे में मैसेजेस आते हैं शमीला को जी, तो शमीला ये कहती है कि ओ हो आपकी बहन का तो चक्कर चल रहा है, ये मुझे पता है। तो फहाम कहता है नहीं नहीं इस बात का जिक्र ना करता। हाँ। वो फौरन अपनी माँ को फोन करती है, देखें इसका तो चक्कर चल रहा है, थोड़ा देर लगती। तो सबा फैसल साहिबा जो है ना वो देख लेती है उसको बात करते हुए, तो फिर वो फटाफट माफी मांगती है। जैसे ही वो माफी मांग रही होती है फहाम आ जाता है वहाँ पे, तो फहाम पूछता है क्या हुआ, क्यों माफी मांग रही है वो, तो अम्मा कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। एक दो दफा तो बंदा कर लेता है। ये उधर झूठ बोलती है फहाम को, ये कहती है कि वो तुम्हारी अम्मा को लगा मैं उनकी बुराइयां कर रही थी अपनी अम्मी से, तो फौरन अपनी अम्मा को फोन लगा के स्पीकर पे डाल देती, मैं कोई उनकी बुराई कर रही थी खाला जान की, नहीं कर रही थी ना, तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं कर रही थी। तो फहाम को समझ तो आना शुरू हो गई है कि डबल गेम कर रही है ये। मुझे अगेन ये बात समझ नहीं आती, लेकिन फहाम खुश इतने ना फैमिली satisfied है, खुश है। satisfied, yeah, he's satisfied with his wife. I see. I mean with his life. Like how? Love life. He's love happy. Life. He's happy, satisfied. He's a newly married guy. रोज डिनर्स पे जा रहे हैं, खाना वाना सही खा रहे हैं, समुद्रों पे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्रों पे पत्थर फेंक रहे हैं जी, रोज शॉपिंग करा रहे हैं उसको, तो he's happy. But जो major development है उसकी हम बात नहीं कर रहे। आपने एक बार बोला था पता नहीं किस चीज के ऊपर इतने दिल जुड़े हैं, इसी तरह तौलियों के ऊपर भी वो कैसे तौलियों के ऊपर भी बेशुमार तौलिये। अच्छा वो जो तौलिया गिर जाता है, तौलिया वो जो लेके जा रही होती है और वो हुआ और तौलिया गिर गया और फिर तौलिया उठा के चाय का कप, चाय का कप और तौलिया, तौलिया तौलियों के ऊपर जो उनकी आंखें मिली। क्या कहा था सलमान खान ने, गर्म चाय की प्याली हो उसको पिलाने वाली हो और एक तौलिया, और तौलिये में ही कहा था, तौलिये में कहा था, तौलिये, ओए वाह, तौलिये में वो नाच रहे थे। शुक्र है इन्होंने तौलिया पकड़ा हुआ था, बांधा हुआ नहीं था, वरना एक नया कटा खुल जाना था। अच्छा मसला अब ये हुआ है जी, वो जो है जिशान जी, जिशान ने टोटल उनका एक आज तक हुआ है इंटरेक्शन जो उन्होंने दुपट्टा झलने से बताया, फिर वो जाने से पहले काला सूट काली टाई लगा के कहते हैं उफ मैंने कैसे ये दिन गुजारे हैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के, तुमसे इतना इतनी मोहब्बत वाले हसन, आई हैव टू से यू आर अ वेरी अनरोमांटिक पर्सन। नहीं दूसरी मेरी तर... मेरी बात सुनो, लव एट फर्स्ट साइट तो ऐसे ही होता है यार। किसको हुआ आज तक, आपको हुआ कभी लव एट फर्स्ट साइट? वैसे मुझे लगता है हुआ है। लव एट फर्स्ट साइट? हां। किसके साथ? अपने मियां के साथ। अच्छा हां, फर्स्ट साइट ही हो गया आपको? हो गया था। किसने तौलिया फेंका था नीचे, या चाय की प्याली किसने बनाई थी? नहीं लेकिन ये कि हो जाता है। आपको पता है ना लोगों ने इतना बोला कि आप अपनी शादी की तस्वीरें हमें शेयर करें, जो आपने पिछली बार कहा था कि आप दो दुपट्टे लेके बैठेंगे जी, दो दुपट्टे थे मेरे। तो कहाँ है आपकी शादी, दुल्हन बनी हुई आपकी तस्वीर? आप अपनी रखें मेज पे, तो फिर मैं भी रखती हूं। मैं कोई दुल्हन थोड़ी बना था, दो दुपट्टे लेके जो मेरी तस्वीर आपने रखनी, लोगों को आपकी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी के वो एनीवे। तो वो उनका विलन हो गया। दूसरी तरफ रिदा को भी उतना ही वालेहाना उनसे मोहब्बत हुई हुई है अगेन, जो कि समझ नहीं आ रही यार। वो दूसरा जो बॉय है बेचारा तौकीर, इतना पीछे पड़ा हुआ है, तो ठीक है वो अच्छा गुड लुकिंग लड़का है, उसने जो हाथ पकड़ लिया था ना वो, उसके बाद उसको दैट वाज अ टर्न अराउंड आई थिंक। हां दैट वाज अ प्रॉब्लम। नहीं प्लस दूसरी बात है हसन, हसन क्या हो गया, आपने पोएट्री नहीं पढ़ी जिंदगी में कभी? शायरी बिल्कुल नहीं पढ़ी? आपको मैं शायर टाइप लग रहा हूं? मैंने बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं 70 की दहाई। फिल्मों में आपने कभी नहीं देखा पहली नजर, पहला नशा, पहली नजर? अच्छा ये वो वाला सीन, आंखों ही आंखों में इशारा। अच्छा, हो गया क्या हो गया है? तो इनकी अब शादी होगी या नहीं ये बताया? हाँ हाँ हो जाएगी। वो तो भाइयों ने तो मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं। तो पैसे के लिए ना, कि अभी इतना वेल ऑफ नहीं है, वो कहता है इतने रिश्ते इसके आ रहे हैं अच्छे। हाँ। अच्छे खानदानों से, और उसने अभी हायर स्टडीज, और इतनी यंग है ये, जितनी वो बिम्बो है पता नहीं उसने कौन सी डिग्री लेनी है होम इकोनॉमिक्स की, लेकिन उसको अपेरेंटली ओके दैट्स नॉट वेरी नाइस। आई मीन एज अ पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट हर, आई एम नॉट ठीक है। अच्छा आपने शट अप कॉल देती है मुझे तो फिर हम चले, उसने जो डिग्री लेनी है अल्लाह करे उसमें कामयाब हो, हायर स्टडीज। नहीं मुझे पढ़ाई में इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं लगती वैसे मतलब क्या चले। बहरहाल तो ये अब मेजर डेवलपमेंट ये है कि जी जिशान और रिदा की मुलाकात हो गई है, उनको हमें पता है कि दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। दूसरी तरफ तौकीर जो है वो इस्लामाबाद कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जब जिशान और रिदा स्क्रीन पे होते हैं ऐसे लगता है वो फ्रीज हो गए हैं और पीछे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, के वो स्वीट जिनीवा पहुंच गए, जिनीवा पहुंच गए हैं और बर्फ के पहाड़ों पे। यश चोपड़ा की फिल्म में उन्होंने साड़ी पहनी हुई है पीले रंग की, जी जी, जिस पे उनका पल्लू लहरा रहा है और पीछे वो चवल सा ट्यून बजना शुरू हो जाता है। कौन सा वाला यार आ रहे, जो भी उसका ओएसटी है कहीं दीप जले, जो भी है वो। मैं अगेन लव स्टोरी लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है बिल्कुल,
रोमांस ऐसे ही डेवलप होता है, आपको कोई पसंद आ सकता है, लेकिन इनका लव मुझे अभी भी थोड़ा क्रिंज लग रहा है, बहुत मुश्किल है। Just one thing I have to say, जी, I think सबा फैसल deserves a lot of credit, जो उनकी दो बिल्कुल अजीब तरह की, अजीब नहीं सॉरी, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं उनके, डिफरेंट सिवाय उनके अल्लाह पेंडेंट के, देयर इज नथिंग इन कॉमन, व्हिच इज आई मीन शी डिजर्व्स क्रेडिट यार, जितनी वो उधर खुरांड बनी हुई है उतनी वो मासूम इधर बनी है। एक दफा तो मुझे ये भी लगा कि जो इन्होंने शहर को चंडे कराई हैं इस वजह से इनका इधर शमीला जो है इनको सही टकरी है, तो वो वेरी गुड एक्टिंग बाय सबा फैसल साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है दोनों ड्रामों में, बिकॉज वो कन्विंसिंग है बड़ी, वहाँ पे एज खुरान आंटी, यहाँ पे एज स्वीट जी मदर जी, सो आई थिंक दैट वाज वर्थ मेंशनिंग जी। अगर कुछ मिस कर दिया तो कर दिया होगा, इतनी सारी चीजें हुई हमें, टू डिफिकल्ट, मेरे ख्याल है इतना कुछ नहीं हुआ जो आपने मिस किया हो, इतना ही हुआ जितना आपने बोला है। ठीक है, अब आ जाए जी जो मुझे पर्सनली बड़ा मेरा फेवरेट ड्रामा जी, एब्सोल्युटली ये दिल मेरा जी। डायरेक्टर साहब से मेरी, मैंने उनको मैसेज किया एहसन तालिश को, मैंने कहा बड़ा मैं एंजॉय करूं तो जबरदस्त, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आर वी हेडेड टुवर्ड्स एन ऑल एंड आउट मिस्ट्री सस्पेंसफुल थ्रिलर, तो उन्होंने कहा कि नॉट अ सस्पेंसफुल थ्रिलर बट यस अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, जैसे आहत का सीन भी था, उन्होंने अपना सर पकड़ के वो शॉट हमें नजर आया जब उनकी मां-बाप उनको छोड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन जिससे पहले कि आप इसको एनालाइज करें, मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फारूक जमान साहब जो हैं उनकी शादी निकाह से डायरेक्ट कमरे में चला जाना था, बीवी थी ना इसलिए नीचे बुलाया उसको, उसको बोलो नीचे आए जी। बहरहाल एक सीन मुझे जो उनका अच्छा लगा, फारूक जमान जो उसको वो कहती मैं बीवी हूँ आपकी, कहते फिर बीवी बन के रो, अगला सेंटेंस ये था कि माँ ना बनो मेरी, कहते कहते नहीं है, बट उनका कहने का मकसद ये था कि बीवी हूँ बीवी बन के रो। उनकी भी कैसी स्प्लिट पर्सनालिटी, जबरदस्त उनकी अदाकारी है, एक तरफ वो शवाड़ की तरह हार पहना रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुकेम्बो बन गए एकदम के, वो एकदम उन्होंने कहा अपनी औकात में रहो, अपनी अपना लहजा ठीक करो, मुझे ऐसी टोन की आदत आदत नहीं है, अपना फौरन सा मुछे नहीं भी तेज करते अपनी जगह शुगर हार वार शुगर अपनी जगह हार वार यार हम ना आप बहुत डबल कॉनोटेशंस ले रही हैं मेरे असन यू आर सेइंग इट विद दैट इन माइंड आई हैव टू से नो ये है कि मैंने कभी यार ये क्या सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं माफ कीजिएगा लेकिन ये क्या मर्दों ने नया शुगर बना लिया कि चेक काट के दे देते हैं बस ये लो 50 मिलियन ले लो तो वो दे दो 2% की यही होता है ये लो चेक ले लो पैसे और निकलवा लेना हाँ। मैं उसको कह रहा हूँ और पैसे डाल दे जाओ बेड खरीद के ले आओ नया सोफा खरीद के ले आओ मैं बोल सकती हूँ आपकी इजाजत अगर मैं बोलूंगा आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल पूछ लिया आप जवाब नहीं इसलिए कि बहुत औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी जिंदगी में जो कमियां होती हैं दे आर कॉम्पनसेटेड विद मनी और मटेरियल थिंग्स और उसकी वजह से वो ठीक है बर्दाश्त कर लेती हैं तो ये ऊंच नीच बर्दाश्त कर रही हैं कि भाई ठीक है somebody is paying all the bills that is better than what a lot of people get but I don't think she's happy she's not happy no of course she's not happy not बर्दाश्त कर रही हैं उन्होंने बनारसी ब्लाउज पहन के फिल्म देखने के लिए वो तैयार खड़ी रही वैसे 12 बजे शवार उठे हैं और रात का बाय द वे उन्होंने कहा फोन करके क्रू को बोलो तैयार हो जाए प्राइवेट जेट ये आपने नोटिस की नहीं उन्होंने अली बख्श को फोन किया ना कि क्रू को बोलो तैयार हो जाए क्रू को बोलो मतलब है कि he flies private oh, ये बड़ा उनका टशन है और कुछ मुझे इस्लामाबाद कराची की भी तो फिल्म देख के चले जाते अपने जहाज भी जाना था उन्होंने अपने जहाज भी जाना था तो बेचारी ने इतना बनारसी ब्लाउज पहन के साड़ी पहन के वो तैयार थी एंड आई लव राबिया बट शी इज सो ब्यूटीफुल राबिया बट इज रियली एक्टिंग भी एक्टिंग तो पता नहीं अच्छी है कि नहीं लेकिन ये शी इज रियली लवली और नूरे जान लेकिन प्रायोरिटी है और उन्होंने क्या टेंट्रम थ्रो किया जाके दफ्तर पहले उन्होंने कहा मेरी क्या कैबिन किधर है उन्होंने कहा चल भाई वो जो नहीं फेसबुक पे होती है कि जॉब पापास प्रिंसेस तो ये वो उसका जीता जागता सबूत है जी बिल्कुल पापास प्रिंसेस उन्होंने टैंट्रम थ्रो किया उन्होंने छोड़ भी दी कॉफी करके उन्होंने वॉक आउट कर दिया देयर इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन द मेड एंड अली बख्श हां वो हमें पता चला जो उन्होंने दैट इज तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न थे एक तो ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी अमानुल्लाह का बचपन कि बहन उसके अंदर सो रही है विच हु एंड द सिस्टर इज अ बेबी और माँ कहती है तुम्हारी बहन भी तो सो रही है ना अंदर हम अभी आ जाएंगे एंड ही हैज अ प्रॉब्लम विद देम गोइंग आउट सो समथिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इज बॉदरिंग हिम सजल्स नॉट हिज सिस्टर यू नो ये दैट क्रॉस माय माइंड नूर दे कांट बी ब्रदर एंड दैट क्रॉस माय माइंड नो नो भाई नो दैट क्रॉस माय माइंड रियली इट डिड नूरुल ऐन एंड इट डिड नो नो आई डोंट थिंक आहद एंड सजल वुड एग्री टू प्ले ब्रदर एंड सिस्टर ऑन स्क्रीन
I mean, they're married in real life, yaar. I don't think that's happening. Yeah, the thought crossed. So right, that's right. Fine. Haan, main to zyada hum log conspiracy mein dal rahe hain. Lekin ek wo hai. Dusri is of course Mir Farooq Zaman's personality. कि बेटी के ऊपर तो वो निछावर है, शादी उसने की हुई है, बिजनेस उसका चल रहा है, बहुत अमीर आदमी है लेकिन ठप हो रहा है. अली बख्श इज लाइक मतलब लॉस में जा रहा है वो तो है एक चलो हल्का अली बख्श जो है वो उसका हिटमैन भी है और राइट हैंड भी है. हाँ. और साहिब कह के जो वो बात करता है और वो ये कहता भी है कि मैं आपको देख नहीं सकता परेशान. आप बताएं कौन है अली बख्श का क्या रोल है जिंदगी में और जो नरगिस बुआ है उसके साथ क्या रोल है बिकॉज शी कांट स्टैंड हिम. नरगिस बुआ को पता है कि जो भी हुआ है वो अली बख्श उसमें इन्वॉल्व था मेजरली. एंड देन ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ट्विस्ट के सज्जल को जो नाइटमेयर आता है कि वो एक बच्ची और एक औरत है और गोली चलती है वो क्या. सो देयर आर सो मेनी मिस्टीरियस ट्विस्ट. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड. सो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फॉर श्योर फॉर श्योर. बट इस एपिसोड में पर्टिकुलरली कोई इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा कि शायद उसका जो अमानुल्लाह है उसका एंड गेम ये था कि वो फोन करवा ले मीर फारूक से. तो वो तो उसने करवा लिया बट उसने ऐसा कुछ शो नहीं किया कि हाँ मुझे मीर फारूक का फोन आ गया तो अब गेम ऑन हो गई है. आई डोंट नो आई कुड सेंस दैट ही इज प्लेइंग अलोंग ही इज अपने आप से कहता है ना कि व्हाट्स द गेम प्लान. या वो मीर फारूक को फंसाना चाह रहा है क्या क्या वो उसको फंसाना चाह रहा है. देखो वो उसको स्टॉक भी कर रहा होता है फेसबुक पे. हाँ एक उसमें तो नूरुलैन के पीछे है या मीर फारूक के पीछे ये मुझे नहीं समझ आ कोई उसमें टेर जरूर है तो सही बट वो है दोनों में से किसके पीछे. कहानी कैसे चलेगी आगे अगर हमें अभी ये समझ आ गया तो assumption हम engage कर रहे हैं ना अपने viewers को वो आप हमें बताएं भाई आप बताएं आपको क्या लगता है. twist in the tale तो यही है कि क्या अमानुल्लाह मीर जमान मीर फारूक जमान के पीछे है या वो नूरुलैन के पीछे. मेरे ख्याल है नूरुलैन के पीछे है. नूरुलैन के पीछे मुझे पहले मुझे लग रहा था कि शायद उसका मीर फारूक के साथ कोई पंगा है शायद वो भी पता नहीं इवेसिव तरीके से शायद उन्होंने हमें थोड़ा बहुत फीड करने की नहीं लेकिन जिस तरीके से वो बात करता है कि अच्छा मैं आपको अंकल कहूँ या सर और आप जो आप और फोन रखने के बाद भी उसने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि अच्छा मुझे आ गया फोन. नहीं देयर इज नो इंडिकेशन टू शो. ऑन द अदर हैंड वो उसको स्टॉक कर रहा था फेसबुक पे नूरुलैन. एग्जैक्टली जब पूरा नाम पता चलता है तो उसको स्टॉक करता है. ये है इंटरेस्टिंग ड्रामा. एब्सोल्युटली मजे का बहुत बिल्कुल. एक और चीज वर्थ मेंशनिंग थी. कैन आई आल्सो मेंशन वन थिंग अगेन सजल्स परफॉर्मेंस. वो जो एक सीन होता है जिसमें वो अपनी माँ को याद कर जब खाला का फोन आता है वो माँ को याद कर रही होती है एंड शी इज टियरी एंड इमोशनल एंड ट्राइंग नॉट टू क्राई. वाज सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. इवन व्हेन शी इज सिटिंग विद आगा जान हैविंग डिनर एंड सेज मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली टू टियर्स रोल डाउन हर चीक्स. लिटिल गर्ल थ्रोइंग टैंट्रम यू नो वेरी नेचुरल ब्रैटी. आई कैन सो रिलेट टू इट. या आर यू अ लिटिल गर्ल हु व्हेन आई वाज वंस टैंट्रम्स आई यूज्ड टू ओके टोटली. Okay. I think all girls should be able to throw tantrums. That phone call, I think, is also important because उसमें जो नैटी ने बोला अमेरिका में बैठे हुए उनका टाइम जोन मुझे नहीं समझ आ रहा बट वो अमेरिका में बैठे नैटी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने शादी सोचा भी नहीं. नहीं सोचा exactly. बट हमें तो पता है कि शादी तो पता ही हो रही है और हार शार भी एक्सचेंज हो रहे हैं और चेक्स भी लिखे जा रहे हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड. बिल्कुल. दूसरा वो इतनी अगर जान निछावर करते थे point to be noted my lord ये है कि वो इतनी जान निछावर करते थे बीवी के ऊपर कि वो दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकते पर दूसरी शादी उन्होंने की भी है. और हमें मतलब ये भी शक है कि जान वो निछावर शायद नहीं करते थे और हमें ये भी पता है कि शायद उन्होंने मारा भी है बीवी को. जी जिस वजह से वो मेड हमें तो ये शक है कि एब्सोल्युटली हमें यही शक है कि उन्होंने मारा बीवी को. बट बड़ा मजे का एपिसोड था ये दिल मेरा देख के जो सारे इधर उधर की टेंशन होती है. अगेन आई होप कि कंक्लूसिव हो और एक चीज हल होती जाए ऐसे ना हो ज़हीन नसीब की तरह इन यू नो ओपन. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आज अमानुल्लाह का मसला समझ में आना चाहिए भाई कि उसको मसला है क्या. सबका अगर ये मसला ना समझ आया अमानुल्लाह का तो फिर टेंशन हो जाएगी. जी ठीक है जी. और कुछ आप कहना चाहेंगे ऐड करना चाहेंगे. नहीं बहुत से कमेंट्स हमें आ रहे हैं बहुत लोगों ने बहुत इन्वॉल्वड हैं लोग. इट्स रियली गुड टू सी पीपल कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्वड विद द स्टोरी विद आर लाइव्स. लोगों ने कहा मैं आपका इंटरव्यू करूँ आप मेरा करें. मेरे ख्याल है वो बहुत पर्सनल हो जाएगा. ये भी किसी ने कहा लेकिन ये है कि शादी की तस्वीरें भी आपकी मांगी. शादी की तस्वीरें मांगी एंड ऑल दैट एंड इट्स ग्रेट टू सी सो मच इंटरेक्शन और लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं नहीं आया तो उन्होंने इतने कमेंट्स कर दिए कि नहीं. अब मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि क्योंकि दिसंबर में आपने भी कहीं जाना है और मैंने भी कहीं जाना है तो लोगों को तो आपके बगैर तो मजा नहीं आएगा. तो मेरे ख्याल है कि आपके बगैर नहीं जी. मेरा ख्याल है कि मैं तो नहीं करूंगी वीकेंड रिव्यू फिर अगर आप छुट्टी गए तो. अच्छा मैं पर्सनली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि आप आमना को कन्विंस करें कि मेरी एब्सेंस में वो ऐसा बिल्कुल ना करें कि वीकेंड रिव्यू बंद कर दें.
because I will be away between the 5th and 18th of December. That's about, I think, four of our episodes. जी जी. तो please आप आमना को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी requests और बहुत सारे comments करके convince करें कि उन्होंने ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत नुकसान होगा। हाँ सर, मैं जब जाऊंगी आप भी अकेले कर रहे होंगे फिर। अकेले तो नहीं करेंगे, आप ज़ारा के साथ करेंगे। जी ज़ारा के साथ। ज़ारा के साथ आमना को आपने, ये अब आप लोगों का काम है, आपने आमना को कन्विंस करना है, क्योंकि अगर आप लोग आमना को कन्विंस नहीं कर पाए तो मैं आप सब लोगों से नाराज हो जाऊंगा। तो अब आप आमना को कॉमेंट करना शुरू कर दें और प्लीज बोले कि अगर मैं नहीं हुआ यहाँ पे दो हफ्ते तो आमना ने बिल्कुल ये एपिसोड्स बंद नहीं करने, बाय हुक और बाय क्रुक आपको रिव्यू जरूर देते। यही बात अगर असर आप गा के कहते तो कितना अच्छा होता। अगर मेरी आवाज अच्छी होती तो मैं गा के भी कह देता। या इस मौके पर कोई गाना बनता है तो बताएं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए। मे बी आपको बना लेंगे। ठीक है, तो आइए, आपने आमना को जरूर कन्विंस करना है। हम आपसे अब मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को, और तब तक आप हमें ड्रामे देखते रहे, दुआ में याद रखते रहे और कॉमेंट्स प्लीज जरूर करते रहे, क्योंकि आपके कॉमेंट्स पढ़ने का बड़ा मजा आता है। एक चीज में I would like to apologize, यमुना ज़ैदी का हमने कहा था हम थर्सडे को इंटरव्यू चलाएंगे, वो हम नहीं चला सके। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है एक्टर्स के स्केड्यूल्स इतने टफ होते हैं, तो वो हमारी वीडियो शूट होनी थी वो नहीं हो पाई, बट होपफुली इंशाल्लाह एक दो दिन में हम जरूर उनके साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। तो इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक होपफुली इंशाल्लाह हम जरूर वो वीडियो चला देंगे। थैंक यू एंड विल सी यू ऑन मंडे।